चलो अब जो चलिए देखिए, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट हो चुके हैं और मैंने नॉर्दर्न किंगडम्स भी सारी अच्छे से करा दी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट आज के रियून्स पे खड़ी हुई किंगडम्स को ऑब्जर्व करने के लिए, ये कैसी थी? तो सबसे पहले एक बात सुनिए, आपने सब सुने, आपने चौहान सुने, आपने परमार सुने, चालुक्य सुने, आपके मन में आ रहा होगा कि इतिहास में वो नहीं सुने जिन्हें हम एक्चुअल में जानते हैं, राठौड़। राठौड़ किधर थे, है ना? राठौड़ों का नाम होता है ना बहुत, रूप कुमार राठौड़, ये वो राठौड़, तो जो गढ़वाल रूलर थे ना, ये राठौड़ थे, जयचंद राठौड़। ओके, कौन से रूलर राठौड़ थे? गढ़वाल, गढ़वाल। अब कुछ बातें समझिए, राष्ट्रकूटों के बाद और प्रतिहारों के बाद और पालों के बाद भारत की दशा कुछ ऐसी बनी कि नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनने लगे, जिनमें माउंटेनियस किंगडम्स काफी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। इनके नाम जैसे चंपका, तो मने चंबा, जैसे दुर्गरा, मने जम्मू, जम्मू, जैसे त्रिगर्त, जैसे जालंधर, और कुलुता, मने कुल्लू। तो ये चारों नाम याद रखने हैं, चंपका, दुर्गरा, कुलुता और त्रिगर्त। तो जालंधर का पुराना नाम त्रिगर्त हुआ करता था, ठीक है? ये तो स्टोरी आ गई पुराणों में जालंधर राक्षस की, तो इसका नाम जालंधर हो गया, अदरवाइज ये त्रिगर्त था। हाँ जी, आ रही है अब आवाज? ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करें हैं। अब कुछ बातें हैं जो टू द पॉइंट सिर्फ आपको लिखाई जाएंगी और वही आपको लिखनी है, इसके अलावा कुछ नोट नहीं करना किसी भी एक डायनेस्टी के बारे में। अब वो नोट करिए क्या है, गढ़वाल डायनेस्टी लिखिए हेडिंग, देखिए इनके बारे में हमें कहां से पता लगता है, लिखिए, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है और इसके बारे में क्वेश्चन आता है। देखिए, अ मिनिस्टर ऑफ, पहली बात वो नहीं लिखा रहा हूं जो पहले पढ़ लिया, ठीक है, सिर्फ नई बातें। अ मिनिस्टर ऑफ गोविंद चंद्र, मिनिस्टर का नाम क्या है? अ मिनिस्टर ऑफ गोविंद चंद्र कॉमा लक्ष्मीधर, रोट अ बुक नेम्ड कृत्यकल्पत्रु, कृत्यकल्पत्रु, KRITYA KALPA TARU, कृत्यकल्पत्रु, ये लक्ष्मीधर की बुक है जो गोविंद चंद्र का मिनिस्टर हुआ करता था। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दो राइटर्स हैं जिन्होंने गढ़वाल डायनेस्टी के बारे में काफी डिटेल में लिखा है, एक है 17th सेंचुरी राइटर फरिश्ता, बस इतना याद रखिए, और दूसरे पर्सन है बहुत इंपॉर्टेंट, हसन निजामी। तो हसन निजामी ने जो तुर्कों के बीच और जयचंद्र के बीच चंदवार का युद्ध हुआ था, इसका काफी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा राइटर ने किस पीरियड के बारे में लिखा या किस डायनेस्टी के बारे में लिखा, तो हसन निजामी और फरिश्ता, तो आपको पता ही है फरिश्ता ने बैटल्स के बारे में लिखा ना, गजनी और गौरी की, तो हसन निजामी ने इनके बारे में लिखा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब कुछ बातें गढ़वाल डायनेस्टी के बारे में, सबसे पहले इसके रूलर का नाम लिखिए चंद्रदेव, टाइम लिखिए 1089 से 1104 AD। आपको ये पता लग जाएगा आज घर जाके जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे दोपहर वाली, कि 1089 या इसे 1090 भी कह सकते हो आप, 1090 में ये चंद्रदेव गद्दी पे किसको हरा के आया, आपको पता लग जाएगा। तो गढ़वाल रूलर, पहला रूलर चंद्रदेव, 1089 से 1104 लिखिए इसके बारे में, यशो विग्रह, यशो विग्रह वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड
वाज अ सामंता ऑफ कलचुरी रूलर्स, तो गढ़वाल किनके सामंत हुआ करते थे? कलचुरियों के, कलचुरी चेदी के, जो जबलपुर मध्य प्रदेश जिनकी आपको पता है। तो यशो विग्रह वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड वाज अ सामंत ऑफ द कलचुरी रूलर। आगे अगला बुलेट बनाइए इसी के हेडिंग के अंदर, रियल फाउंडर वाज चंद्रदेव हु कैप्चर्ड कन्नौज। तो 1090 में चंद्रदेव के द्वारा कन्नौज कैप्चर किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, एक बात याद रखिएगा, आप जानते हैं कि महमूद गजनवी आकर के गया है, क्लियर है बात। अब इसके बाद मुसलमानों के जो आक्रमण बार भारत में होंगे ना, ये मुसलमानों के एक बहुत ताकतवर जरनैल है हमीरा, हमीर, ये उसी की अध्यक्षता में होंगे, इसलिए ये पढ़ने जरूरी थे अब जो बता रहा हूँ। तो हमीर मर्दन, जयचंद्र सूरी की किताब हमीर मर्दन, इस तरह की बुक्स ये इंपॉर्टेंट है। हमीरा कौन था? तो अब अगला रूलर है, नाम लिखिए मदन पाल, 1104 से 1114 तक। मैं एक बात को दो दो तीन तीन बार लिखवाऊंगा ताकि आप टेंशन मत लेना, मैं रिपीट करूंगा, है नर्वस नहीं होना। मदन पाल रूलर है, टाइम है 1104 से 1114, 1104 टू 1114 एडी। देखिए मदन पाल वाज कैप्चर्ड बाय मुस्लिम कमांडर नेम्ड हमीरा। मदन पाल वाज कैप्चर्ड बाय अ मुस्लिम कमांडर नेम्ड हमीरा, लेकिन इसी का जो युवराज था गोविंद चंद्र, द महाप्रतापी रूलर ऑफ गढ़वालाज, उसने इसको छुड़ाया। बट वाज फ्रीड बाय द युवराज गोविंद चंद्र, गोविंद चंद्र ने छुड़ा लिया। आगे लिखिए गोविंद चंद्र, हेडिंग डालिए 1114 से 1154 एडी तक। ही डिफीटेड किंग मसूद थ्री, ही डिफीटेड किंग मसूद थ्री ऑफ गजनी। तो गजनियों के छक्के छुड़ाए हैं इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ही डिफीटेड किंग मसूद थ्री ऑफ गजनी, ही एस्टेब्लिश्ड, ही एस्टेब्लिश्ड मैट्रीमोनियल रिलेशन विद पाला रूलर्स ऑफ बंगाल। तो इसने पालास के साथ मैट्रीमोनियल रिलेशन किए, इसने कुमार देवी के साथ विवाह किया, पाला प्रिंसेस, तो बस इतना लिखना जरूरी है और ज्यादा नहीं इसके बारे में लिखना, दैट्स इट। आगे लिखिए नेक्स्ट रूलर विजय चंद्र, 1154 से 1169 एडी, 1154 से 1169 तक। अब बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है ये विजय चंद्र। आपको पता है ना कि चाहमान रूलर विग्रह राज हुआ करता था, विग्रह राज ने दिल्ली कब्जा ली थी, तोमरों को अपने अधीन रखा था। अब ये कौन है विजय चंद्र, इसके बारे में दो इवेंट इसके लाइफ के इंपॉर्टेंट है। पहला इवेंट लिखो, ही वॉज अटैक्ड बाय हमीरा, ही वॉज अटैक्ड बाय हमीरा एंड कन्फ्रंटेड इट वेलियंटली। बहुत ही शौर्य के साथ इसने उस चीज को कन्फ्रंट किया, एंड कन्फ्रंटेड इट वेलियंटली। अगली लाइन इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, ही कैप्चर्ड दिल्ली फ्रॉम विग्रह विग्रहराज, ही कैप्चर्ड दिल्ली फ्रॉम विग्रहराज। आपने पता पढ़ा था ना कि
गढ़वाल रूलरों ने दिल्ली में जाकर के नाग में दम कर दिया था चाह मानो के, तो ये विजय चंद्र ही था। तो ही कैप्चर दिल्ली फ्रॉम विग्रहराज। पता क्या है, ये याद नहीं रहने आपको। मैं आप अगर आप ये कहें कि सर ये इतनी बारीक बातें लंबे समय तक कैसे याद रहेंगी, इससे क्या होगा, सुनो इससे तीन चार बातें क्लियर हो जाएंगी इन फ्यूचर, आप कभी नहीं फंसोगे। पहला, गजनवियों के मेनली कन्नौज पे आक्रमण महमूद गजनी के बाद किसके समय में हुआ, गढ़वालों के। तो क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि किन्होंने कन्फ्रंट किया, गढ़वालों ने। सेकेंड आस्पेक्ट इसमें क्वेश्चन बनेगा कि कौन चाहमानों को दिल्ली में पावर स्ट्रगल देते रहे, गढ़वाल रूलर राठौड़। तो आपको ये एमसीक्यूज बड़े इजी हो जाते हैं। और अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि राजपूतों की पर्सनल राइवलरी को लिखो, तो फिर थोड़ा सब्सटेंस मिल जाता है। अगर आपको थोड़े भी नाम याद है, गोविंद चंद्र, विजय चंद्र, तो आप चंद्र रूलर्स लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं गढ़वाल रूलर ऑल द चंद्राज, उन्होंने इस तरह के काम किए, इन्होंने गजनीस को कन्फ्रंट किया। एक दो नाम भी अगर आपको याद है, अली मसूद और ये हम मीरा, आप लिख देना। और सेकंड लिख देना विग्रह राज, जैसे दिल्ली पर इन्होंने कब्जे किए, इसका ये पर्पज है। आई बात समझ में? अगला रूलर है जयचंद्र। आप सब जानते हैं इसकी कहानी, जयचंद्र राठौड़ संयोगी था, इसकी पुत्री जिसे उड़ा ले गया था पृथ्वीराज। अब वो मोहब्बत में पड़ चुकी थी बाल्यावस्था में पृथ्वीराज के साथ। अब जयचंद्र ने पृथ्वीराज को ह्यूमिलिएट करने के लिए स्वयंवर रचाया संयोगिता का। अब स्वयंवर में जयचंद्र ने उसका पुतला लगा दिया द्वार पे ही, कि पुतला लगाते हैं बेइज्जती करेंगे उसकी। अब अल्टीमेट आस्पेक्ट ये है कि पुतला क्या लगाया, बस माला डालने का समय जैसे ही आया, पहुंच गया पृथ्वीराज चौहान, महल के अंदर घुसा, घोड़े पे चढ़ा के ले गया, और उसके बाद दोनों ने खजियार झील में एंजॉय किया, और फिर भगवान जाने किधर गए। चलो जयचंद्र 1170 देन 1194 AD तक, ज्यादा डिटेल में कहानियां मैं नहीं जानता भैया, राजस्थान चले जाए अगर ज्यादा जानना है तो। जयचंद्र 1170 से 1194 AD, बहुत इंपॉर्टेंट बात। सारी इस बाकी जयचंद्र की कहानी मैंने यहां बता दी, चंदवाड़ का युद्ध हुआ और पृथ्वीराज के साथ इसकी क्या प्रॉब्लम हुई वो, ये तो सीधा एज इट इज मेरे आंखों के सामने ये क्वेश्चन है। लिखो बात, जयचंद्र वाज स्ट्रक बाय एन एरो, जयचंद्र वाज स्ट्रक बाय एन एरो ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक इन द आई। एंड फेल डाउन डेड फ्रॉम इज एलिफेंट, एंड फेल डाउन डेड फ्रॉम इज एलिफेंट। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी आंख में तीर घुसेड़ करके इसे हाथी नीचे खदेड़ दिया था, और इसकी लाइफ वहीं पर समाप्त हो गई थी। बस इसके बारे में, गढ़वालों के बारे में अब जो लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं। स्टॉप कर दिया करो रिकॉर्डिंग, एनएसटी आगे लिखिए कुछ मेन बातें। सबसे माइंड ब्लोइंग एस्पेक्ट वो क्या है कि चंदेलों के बारे में जब भी आप जानना चाहेंगे, आपको कहाँ के इंस्क्रिप्शन में जानकारी मिलेगी, खजुराहो। तो खजुराहो इंस्क्रिप्शन किन के बारे में, चंदेला के बारे में, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं मेन बात, कोई भी पूछे तो ठोक के डंका बजा के कह देना। इट वर द चंदेलाज हु यूज्ड देवनागरी स्क्रिप्ट, हु यूज्ड देवनागरी स्क्रिप्ट इन देयर अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम। आप जो हिंदी लिखते हो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखते हो, देवनागरी। पहली बार भारत में इसे अपनी इंस्क्रिप्शन पे किसने यूज किया है, चंदेलों ने, बुंदेलखंड के चंदेले। ठीक है, बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, फिर बाद में बैठे रहेंगे वरना सोचते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में, देयर किंगडम वॉज नोन एज जेजा भुक्ति इन एंशियंट इंडिया। जेजा भुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेजा भुक्ति, JEJAKBHUKTI, जेजा भुक्ति।
अब लिखिए इनके रूलर, पहला लिखिए नन्नूक, NNUK नन्नूक, 831 से 844 AD। के बारे में लिखें, दे वर द फ्यूडेटरीज ऑफ द प्रतिहारास, तो चंदेला प्रतिहारा के फ्यूडेटरी थे, बट ननूक फाउंडेड द इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ चंदेला। तो ननूक इनका पहला रूलर था जिसने इंडिपेंडेंट किंगडम स्थापित कर दी चंदेलों की, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब अगली बात लिखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है इनकी कैपिटल के ऊपर में, हिज कैपिटल वाज महोबा, चंदेलों की कैपिटल थी महोबा, हिज कैपिटल वाज महोबा। इनके तीन किले बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों किले, क्वेश्चन भी आ चुका है केबीसी में, ये किले किस मध्यकालीन शासकों के थे, तो इनके तीन किले कौन से हैं लिखिए, कालिंजर, कालिंजर का किला, कालिंजर, खजुराहो एंड छतरपुर वर द चीफ फोर्ट्स ऑफ द चंदेलास, कालिंजर, खजुराहो एंड छतरपुर वर द चीफ फोर्ट्स ऑफ द चंदेलास। एक रूलर है यशो वर्मा, 930 से 950 AD, 930 से 950 AD, यशो वर्मा, इसके बारे में एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है, ही बिल्ट अप द विष्णु टेम्पल ऑफ खजुराहो, खजुराहो का विष्णु टेम्पल इसने बनवाया। अब इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आने वाली है, अगला रूलर है धांग, DHANG है धांग, 950 से 1003 AD, क्या है इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें, ही वॉन ग्वालियर, ही वॉन ग्वालियर, देखिए कैसे बुंदेलखंड छतरपुर के इलाके से, कालिंजर के इलाके से अब मध्य प्रदेश में डीप घुस रहे हैं, ग्वालियर इसके कब्जे में आ चुका था, तो ही वॉन ग्वालियर एंड सेकेंड एस्पेक्ट, ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल टू खजुराहो, तो महोबा से राजधानी खजुराहो कौन लेके गया, धांग। अच्छा आपको पता है ना, जो फरिश्ता है उसके कलेजे में क्या आग मची थी, वो ये कहता था कि जो जयपाल है हिंदू शाही डायनेस्टी का, उसने जब सुबुक्तगीन के आक्रमण के समय में एक कॉन्फेडरेसी बनाई थी हिंदू राजाओं की, ये कहता है ना, हालांकि उसकी बात तो बोगस ही लगती है, बट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है कि उस कॉन्फेडरेसी में चंदेला रूलरों ने पार्टिसिपेट किया, एक तो चंदेला ने पार्टिसिपेट किया, तो चंदेलों में से किसने, धांग ने पार्टिसिपेट किया था अगेंस्ट द महमूद ऑफ गजनी इन द फेवर ऑफ द हिंदू शाही डायनेस्टी जयपाल। लिखिए ये लाइन लिखिए, धांग टुक पार्ट इन द कॉन्फेडरेशन ऑफ हिंदू किंग्स, धांग टुक पार्ट इन द कॉन्फेडरेशन ऑफ हिंदू किंग्स अगेंस्ट सुबुक्तगीन, SUBUKTAGIN, बट डिफीटेड, आपको पता है ना कि खजुराहो में जैनियों के भी मंदिर है, और जैनियों के और हिंदुओं के दो ही है ना, हिंदुओं के कौन से, शिव, वैष्णव और शक्त, तो जिन नाथ का एक मंदिर है भारत में, जिन नाथ का मंदिर, ये अब जो मंदिर इसमें ऐसे ही बता दे रहे हैं ना, नेट पे ढूंढोगे तो भव्य मंदिर है, मतलब खतरनाक, इसलिए फिर क्वेश्चन आता है तो फंस जाता है, तो जिन नाथ का मंदिर किसने बनाया, इसने बनवाया, तो अब लिखो जो लिखा रहा हूं, लिखो, ही बिल्ट द टेम्पल ऑफ जिन नाथ, विश्वनाथ एंड वैद्यनाथ एट खजुराहो, तो शिव के ऊपर मंदिर होता है ना, वैद्यनाथ, शिव, वैद्य गणेश, जब वैद का, बैजू का रूप लिया था, तो वो तो वैसे झारखंड में है, नहीं इसका भी याद रखना, वो तो ज्योतिर्लिंग है ना, वैद्यनाथ जो है वो तो ज्योतिर्लिंग है, भारत में पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, बता दूं,
अब ज्योतिर्लिंग की बात हुई तो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वैसे 64 ज्योतिर्लिंग हैं, इंपॉर्टेंट 12 ज्योतिर्लिंग है। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है गुजरात का, ये बात हमेशा याद रखना, ऐसी बातें आर्ट एंड कल्चर से बहुत आती है। इसमें से बैद्यनाथ भी ज्योतिर्लिंग है, एक दिन 12 ज्योतिर्लिंग याद करा दूंगा, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर है, महाकालेश्वर है, ये सारे ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग क्या होते हैं कि फर्स्ट टाइम जब ही शिव, जब ही ब्रह्मांड हुआ, तो जब ही आंखें खुलती हैं ब्रह्मा की, तो ब्रह्मा एकदम से घमंड में आ जाते हैं कि ये विश्व मैंने बनाया। फिर एकदम से नजर पड़ती विष्णु पे, कहते अरे तुम कौन हो, तो विष्णु कहते तुम मेरी नाभि से निकले कलम कमल पर बैठे हो, मैं तुम्हारा जनक हूँ। तो ब्रह्मा कहते तुम मेरे जनक नहीं हो, पहले मैं आया हूँ। तो विष्णु कहते बेटे पहले मैं आया हूँ। तो इन दोनों में जब डिबेट है कि पहले मैं, ऐसे में एक पिलर क्रिएट होता है फायर का, जिसका कोई एंड नहीं था, ना बिगनिंग थी ना कोई एंड था, वही आज शिवलिंग के तौर पे पूजा जाता है। तो उस फायर के पिलर पे अब अल्टीमेटली बहस को खत्म करना है, तो महादेव के पास, वो फायर पिलर महादेव है, तो उनसे पूछा जाता है कि ये क्या है, तो वो फिर कहते हैं कि जो भी मेरा एंड पॉइंट ढूंढ लेगा पहले वो आया। तो इसी तरह से उसी दिन से ब्रह्मा ने ऊपर उड़ने के लिए हंस ले लिया कि मुझे ऊपर जाना है, तो उनका वाहन हंस रहेगा। और उसी दिन से जमीन खोदने के लिए, नीचे जाने के लिए, विष्णु ने बराह ले लिया, जंगली सुअर, कहता मैं अंदर जाऊंगा। तो विष्णु नीचे की तरफ, ब्रह्मा ऊपर की तरफ, अब एंड तो मिल नहीं रहा था। कई कल्प बीत गए, कई युग बीत गए, एंड में जब उतर ऊपर जाते हुए एक फ्लावर नीचे गिर रहा था, केतकी फ्लावर। अब ब्रह्मा ने उसको देखा, कहते अरे तुम किधर से आए हो, कहते मैं तो इसके टॉप से गिरा हूं। तो कहते फिर मतलब ये तो टॉप से गिरा है और इसे मैं पकड़ लूंगा, तो अल्टीमेट आस्पेक्ट ये है कि मतलब मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं टॉप पे पहुंच गया। तो वो केतकी के फ्लावर को कहते हैं बेटा ऐसा करना, नीचे जाएंगे और मैं कहूंगा मैं तुम्हें टॉप से लाया, तो तुम ये मान लेना। कहते ठीक है। तो ब्रह्मा कहते मैंने इस शिवलिंग, इस लिंग का सिरा ढूंढ लिया है, और ये देखिए गवाह है केतकी का फ्लावर, ये मान रहा है कि मैं इसे टॉप से लेके आया हूँ। तो तभी फिर श्राप मिलता है ब्रह्मा को कि बेटा झूठ बोलते हो, आज के बाद तुम्हारी पूजा नहीं की जाएगी, मंदिर तो दूर दूर तक ही तुम्हारा बनेगा, और विष्णु ही मेरा फेवरेट है आज से, वो सच्चा तो है कम से कम। और विष्णु आके कहते हैं मुझे कोई सिरा नहीं मिला, विष्णु आके कहते हैं ये अनादि है, अनंत है। तो फिर उसे सिखा महादेव, ये पाठ सिखा रहे हैं पुराणों के माध्यम से। तो पुराण जब भारत में, जब विश्व स्तर पर बड़ी बड़ी थ्योरियां नहीं आई थी बिग बैंग और ये वो, तब पुराणों ने समझा दिया था कि ये एक लूप है, ये एक साइकिल है, इसका कोई ओरिजिन नहीं होता, इसका कोई एंड नहीं होता, यूनिवर्स इसी तरह से बनता और बिगड़ता रहता है, एक बहुत बड़ा सा सर्कल ऑफ द फायर है जिसमें से सब निकलेगा और फिर सब उसी में समा जाएगा। अल्टीमेटली वो फायर का सर्कल, यानी कि वो सन, जो पूरी तरह से बड़ा होकर फट जाएगा, वहां पे सिर्फ एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बचेगा जिसमें अंततः सब समा जाएगा, और वह है काले रंग का शिवलिंग। तो ये पुराणों के माध्यम से बताया था, इसलिए ये कहानियां इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो वो शिवलिंग जो उत्पन्न हुआ है, उसकी आग भारत में जहां जहां पे शिवलिंग का स्पर्श हुआ है वहां पे बने हैं ज्योतिर्लिंग। आ गई समझ में कहानी? ऐसी कहानियां बेटा पता होनी चाहिए। चलो उसको छोड़ो, मंदिर लिख लिए तीनों, जिननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ है खजुराहो, आगे चलते हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब याद याद रखेगा, ये बंदा मर ही नहीं रहा था, धांग 100 साल का जीवन हो गया था इसका, अच्छे कर्म करता था, अच्छी अच्छी खुराक खाता था, जंक फूड नहीं खाता था, और अंततः इसने गंगा यमुना में जा करके डुबकी लेके अपनी जान दी है, समाधि लेके। कहता भैया खत्म हो, मतलब उम्र हो गई ना, प्राण छूट रहे, और क्या क्या देखना मिल रहा है मुझे। तो ये है, आगे देखिए, नेक्स्ट रूलर विद्याधर, 1019 से 1029 एडी तक विद्याधर। सबसे माइटी रूलर चंदेलो, चंदेलो का विद्याधर, द कंप्लीट, द वेरी माइटी रूलर। इसके बीच और महमूद ऑफ गजनी के बीच में वॉर हुई थी भैया, लिख लो। निजामुद्दीन गिव द डिटेल ऑफ द वॉर बिटवीन महमूद ऑफ गजनी एंड द चंदेला रूलर विद्याधर। ओके, इसीलिए इससे घबरा के मुस्लिम राइटरों ने कहा कि ये तो नंद रूलर जैसा लगता है, मगध के नंद रूलर जैसा, जैसा उसका इतिहास था, इसका नाम डाल दिया। मुस्लिम राइटर कॉल हिम नंद एंड बीड़ा, NAND, नंद और एंड बीड़ा, BIDA, बीड़ा। ये सबसे माइटी रूलर था।
अब ना आज के दोपहर वाले लेक्चर में मैंने एक कहानी सुनाई है भैया, याद रखना कहानी, मैं तुम्हें भी सुना देता हूँ। इस विद्याधर जब चंदेला रूलर था ना, बड़े भारी आक्रमण कर रहा था मामूल गजनवी कन्नौज पे, 1018-1019 का टाइम याद करो। और उस समय वहां का रूलर था राज्यपाल। राज्यपाल डर के मारे घबरा गया बेचारा, दौड़ गया। और घबरा के दौड़ने की खबर जब विद्याधर के कानों में जाती है, उसको बर्दाश्त नहीं होता है कि तुम दौड़े तो दौड़े कैसे अपनी गद्दी छोड़ के, वीरगति को प्राप्त हो जाते। तो जब कन्नौज से वापस चला जाता है महमूद गजनी, विद्याधर फिर गद्दी पे आ जाता है और चंदेला रूलर सॉरी राज्यपाल फिर अपनी गद्दी पे आ जाता है कन्नौज में। वो देखता है महमूद गजनी तो चला गया, विद्याधर जो चंदेला रूलर, उससे ये बर्दाश्त नहीं होता कि इसने भारत की गरिमा को तार तार कर दिया। और ये उस समय कन्नौज रूलर राज्यपाल का वध करता है इसी बात से। तो चंदेला रूलर विद्याधर ने कन्नौज के राजा राज्यपाल का वध कर दिया, क्योंकि वह महमूद गजनी के आक्रमण से डर के भाग गया था। याद रखना ये बात। तो लिखो, विद्याधर अटैक्ड कन्नौज एंड किल्ड राज्यपाल। विद्याधर अटैक्ड कन्नौज एंड किल्ड राज्यपाल। बिकॉज ही फ्लेड, बिकॉज राज्यपाल की बात, बिकॉज ही फ्लेड अंडर द थ्रेट ऑफ, बिकॉज ही फ्लेड अंडर द थ्रेट ऑफ महमूद गजनी। ओके, भयंकर बात सुनो और मजेदार आस्पेक्ट है वो क्या है। महमूद गजनी आज दिन तक हारा ही नहीं है। मोहम्मद गौरी और गजनी में एक अंतर था, गजनी भैया कभी किसी से हारा ही नहीं। शहर गजनी किसी से हारा? बोलो, कभी नहीं हारा भाई, कदे नहीं हारा, कभी नहीं, कदे नहीं। दोपहर वाले बच्चे कहेंगे सर कितने मजे ले रहे। तो महमूद गजनी तो किसी से हारा ही नहीं है ना, बार बार कह रहा हूं क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। महमूद गजनी भी के इस दामन पे बस एक ही दाग ठोका है एक बंदे ने, विद्याधर। कैसे? जब महमूद गजनवी को खबर पहुंची कि इसने राज्यपाल को उड़ा दिया, क्योंकि राज्यपाल को एक तरह से अपना सामंत समझने लगा था महमूद गजनी, अब वो तो खुश हो रहा था कि कन्नौज तक मेरे हाथ पहुंच गए। जब उसने देखा विद्याधर ने उड़ा दिया, तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि विद्याधर कौन सी खेत की चिड़ी है, कौन सी खेत की मूली, सॉरी, इसको तो मैं बताता हूं अभी। तो अल्टीमेटली उसने वेंजियंस, इसको वेंजियंस कहते हैं, वेंजियंस कहते हो, वेरी नाइस, यू आर गुड वाइज। तो अल्टीमेटली उसने इसी नफरत की भावना से प्रेरित होकर के, बदले की भावना से आक्रमण कर दिया किन पे, कन्नौज पे और चंदेलों पे। अब जब वो चंदेलों पर आक्रमण कर रहा है ना, चंदेला बड़ी खतरनाक पॉलिसी अपना रहे हैं कि जैसे ही गजनी आता था रिट्रीट कर जाते थे पीछे की तरफ और कहते थे अंदर आ और डीप आ, एक बार बुंदेलखंड के पहाड़ों तक आ, कहां कहां से रास्ते निकलते बेटा तेरे को बताएंगे। और गजनी समझ गया, कहता ये ट्रैप में ले रहे हैं ये नहीं। तो विद्याधर के साथ 2 बार विद्याधर पे रेड मारते हैं के चक्कर में डीप आ गए, और डीप आके फिर घबरा के जब गजनी वापस गया है, एंड एंड अंततः उसने विद्याधर से मैत्री की संधि की, मैरिट और फ्रेंडली रिलेशन के लिए अग्रीमेंट भेजा, और विद्याधर से उसने रिस्पेक्टफुली फ्रेंडली रिलेशन स्टेब्लिश किए। एकमात्र रूलर जो गजनी से हारा नहीं, और एकमात्र रूलर जिससे गजनी को दोस्ती करनी पड़ गई, विद्याधर हारा नहीं था। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत उन्माद देते हैं भारत में, तो ऐसी बातें पूछी जाती हैं। तो अब लिखो बात, विद्याधर हैड द यूनिक डिस्टिंक्शन, विद्याधर हैड द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग विद्याधर हैड द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली इंडियन रूलर हु इफेक्टिवली चेक्ड द ट्रियम्फल करियर ऑफ सुल्तान महमूद। हु इफेक्टिवली चेक्ड द ट्रियम्फल करियर ऑफ सुल्तान महमूद एंड सेव्ड हिज किंगडम एंड गजनी एस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस।
आगे इसके बाद 1029 से लेकर के लगभग लगभग 1130 तक, 1029 से लगभग लगभग 1130 तक छुटपुटों के रूलर आते रहेंगे, कमजोर से रूलर, और ये अपने आप को घुसेड़ देंगे चेदियों के अंदर ही, फिर से चेदी कल्चरी उनकी सामंत बन जाएंगे। लेकिन एक रूलर आएगा कीर्ति वर्मन, वो फिर से इनको चेदियों के बाहर निकालेगा। तो कीर्ति वर्मन के बारे में ये इंपॉर्टेंट नहीं, कीर्ति वर्मन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है वो लिखो। फेमस संस्कृत राइटर, हेडिंग लिखो कीर्ति वर्मन, और अब बात लिखो फेमस संस्कृत राइटर कृष्ण मिश्रा, फेमस संस्कृत राइटर कृष्ण मिश्रा लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ कीर्ति वर्मन, लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ कीर्ति वर्मन, हु रोट कीर्ति वर्मन, ये जो कृष्ण मिश्रा है इसने लिखी है, हु रोट लिखो या लिखो एंड रोट, एंड रोट प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय बहुत इंपॉर्टेंट बुक, जैसे चंद बड़दई की पृथ्वीराज रासो इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रबोध चंद्रोदय किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे जिससे हमें जानकारी मिलती है चंदेला राजों की। तो प्रबोध चंद्रोदय, बस उसके बाद छुटपुट छुटपुट रूलर आते रहेंगे। अब रूलर लिखो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस रूलर की, टाइम लिखो, नाम लिखो रूलर का, दो नाम है, एक परमार, परमार्दी देव, PARAM ARDI, परमार, परमार्दी देवा, DEV है देवा, तो परमार्दी देवा, और इसका दूसरा नाम परिमल या परमल, परिमल या परमल। इसका टाइम है 1165 से 1203 AD, 1165 से 1203 AD। अच्छा अब दिमाग लगाओ कि इसका कंटेम्प्रेरी कौन होगा, इसका कंटेम्प्रेरी होगा द पृथ्वीराज थ्री, पृथ्वीराज चौहान। आपको पता है चंदेलों पे आक्रमण करा था, अल्लाह उदल मारे गए थे, तो अब उसकी डिटेल ले लो, रूलर कौन था परमल, पृथ्वीराज चौहान का किससे युद्ध हुआ था परमल। अब लिखो लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ चंदेलास, ही वॉज द लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ चंदेलास, ही वॉज द लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ चंदेलास एंड वॉज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान इन 1182 AD, इन 1182 AD। ओके, डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान इन 1182 AD। टू टू गैलेंट हीरोज अल्लाह एंड उदल सेक्रीफाइड देयर लाइव्स इन द बैटल, टू गैलेंट हीरोज अल्लाह उदल। तो देखो दो तीन जगहों पे इनका जिक्र आ गया, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, जैसे गोरा बादल थे अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध के समय, उसी तरह से अल्लाह उदल, अल्लाह एंड उदल सेक्रीफाइस देयर लाइव्स इन द बैटल। अब याद, अब सुनो भाई, अब मुद्दे की कहानी सुनो, इसी के अंदर परिमल के अंदर ही अगला पॉइंट बनाओ। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक कैप्चर्ड कालिंजर इन 1203 AD, कुतुबुद्दीन ऐबक कैप्चर्ड कालिंजर इन 1203 AD, 1203 AD, कुतुबुद्दीन ऐबक कैप्चर्ड कालिंजर इन 1203 AD, वेयर परमल ब्रेथड हिज लास्ट। तो 1203 AD में कालिंजर कब्जा लिया, और कालिंजर में ही उस समय में अपनी आखिरी सांस ली परमल ने, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर परिमल ये जिंदा रहेंगे, क्योंकि छतरपुर है, उसके बाद खजुराहो है, अभी तो कालिंजर जीता। तो अब याद रखना है कालिंजर 1203 में लपेट लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, परिमल वहीं पे अपनी जान गवाया। अब फाइनली देखो मेन बात, चंदेला किंगडम वॉज अनेक्स्ड टू दिल्ली इन 1305 AD, चंदेला किंगडम वॉज अनेक्स्ड टू दिल्ली इन 1305 AD। आप सब जानते हैं वहां पे विष्णु और जैन सबके मंदिर थे, वो सारी बातें। तो मंदिरों का एक बार जिक्र सुन लो, याद नहीं करना, आपको पता रहना चाहिए, जगदम्बिका मंदिर था, चित्रगुप्त मंदिर था, विश्वनाथ मंदिर था, पार्श्वनाथ मंदिर था,
और स्कल्पचर थे अप्सराओं के, डेमसेल्स एंड जनरल वुमन के, दैट्स इट। आगे आ जाओ, कल्चुरी डायनेस्टी, हेडिंग डालो कल्चुरी। रुको एक मिनट, इनके बारे में देखें, अभी लिखनी बाकी है, चंदेलास के बारे में, रुको, बर्मन के बारे में लिखो एक इंपॉर्टेंट बात। कीर्ति सागर, कीर्ति वर्मन कीर्ति वर्मन बिल्ट अ ब्यूटीफुल लेक, बिल्ट अ ब्यूटीफुल लेक नोन एज कीरत सागर, कीरत सागर इन हिज कैपिटल महोबा। महोबा में इसने बहुत जबरदस्त बनाई। कल्चरी रूलर्स डायनेस्टी क्या कहती है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के मुताबिक, फेमस राइटर राजशेखर, फेमस राइटर राजशेखर स्टेड, फेमस राइटर राजशेखर स्टेड फॉर सम टाइम इन द कोर्ट ऑफ किंग युवराज। और इसी समय इसने दो किताबें लिखी जो मैंने उस दिन बता दी आपको, इसलिए अब लिखाऊंगा नहीं। एंड रोट टू ऑफ हिज बुक्स ड्यूरिंग हिज स्टे एट त्रिपुरी, दीज आर काव्य मीमांसा एंड विद्याशाल भंजिका, जो उस समय कल्चरल एक्टिविटीज पर लिखी हुई हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे पहला रूलर कल्चुरी कहां पर फोकस्ड हुआ करते थे, द मेन ब्रांच ऑफ द कल्चुरी और चेदी वाज सेंटर्ड एट त्रिपुरी नियर जबलपुर इन मध्य प्रदेश। मेन ब्रांच ऑफ द कल्चुरी और चेदी वाज सेंटर्ड एट त्रिपुरी नियर जबलपुर इन मध्य प्रदेश। लिखिए, हाँ लिखिए, अब रूलर का नाम लिखिए, कोकला, KOKALLA। वाज द फर्स्ट पावरफुल रूलर, इसका टाइम है 850 से 885 एडी, 850 से 885 एडी। इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि भाई इसके मैट्रिमोनियल अलायंसेस चंदेलास के साथ भी थे और इसके मैट्रिमोनियल अलायंसेस राष्ट्रकूटों के भी साथ थे। चंदेलास से बेटी ली थी इसने और शादी की थी, और राष्ट्रकूटों को बेटी दी थी इसने, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बस इतना याद रखिए कि ये कोकला पहला इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करता था, उसके बाद युवराज हुआ करता था, उसके बारे में मैंने मेन बात लिखा दी। अब मेन रूलर लिखिए, लक्ष्मण राजा, 945 से 970 एडी, लक्ष्मण राजा। हिज डॉटर, लक्ष्मण राजा की हिज डॉटर वॉज मैरिड टू, हिज डॉटर वॉज मैरिड टू अ चालुक्य रूलर, अचालुक्य रूलर नेम्ड विक्रमादित्य फोर। अब एक बार हमेशा याद रखना कि चालुक्य के साथ इनकी फाइट और इनके मैरिटोलियन मैरिटल अलायंसेस होते रहेंगे, कभी ये उन्हें हराते रहेंगे, कभी वो इन्हें हराते रहेंगे, बस इसी तरह का इनका सिस्टम है और कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला रूलर लिखिए, लक्ष्मी लक्ष्मी कर्ण, 1041 से 1070 एडी, लक्ष्मी कर्ण, 1041 से 1070 एडी। ये इंपॉर्टेंट बात है, लिखिए लक्ष्मी कर्ण के बारे में, ही डिफीटेड परमार किंग भोज, परमारों का राजा भोज हुआ करता था, एक बहुत इंपॉर्टेंट। ही डिफीटेड परमार किंग भोज विद द असिस्टेंस ऑफ चालुक्य किंग भीमा। याद रखिएगा कि इनका एक लास्ट रूलर हुआ करता था विजय सिंह, 1212 एडी में, जिसको फाइनली चंदेला रूलरों ने हरा दिया और इनको खत्म कर दिया चेदियों को। तो लिखिए, लास्ट रूलर विजय सिंह डिफीटेड बाय चंदेला किंग, लास्ट रूलर विजय सिंह डिफीटेड बाय चंदेला किंग त्रिलोक्य वर्मन इन 1212 एडी।
डायनेस्टी, एक मिनट रुकिए देख ले, चंद्र बुंदेलखंड यमुना और नर्मदा नदी के बीच में हुआ करता था। इसी तरह से चेदियों के बारे में याद रखना कि ये नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में होते थे, नर्मदा एंड गोदावरी के बीच में। इनकी कैपिटल त्रिपुरी हुआ करती थी, आपको बता दिया है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, दैट इज एस्पेक्ट। परमार डायनेस्टी, संस्कृत संस्कृत का पोएट हुआ करता था पद्मगुप्त, बहुत तगड़ा संस्कृत का पोएट था पद्मगुप्त। परमार रूलर की किंगडम में होता था, लिखिए, अ रिनाउंड संस्कृत पोएट पद्मगुप्ता, अ रिनाउंड संस्कृत पोएट पद्मगुप्त वाज द कोर्टियर वाज द कोर्टियर ऑफ वाकपति मुंज एंड सिंधुराज। अ रिनाउंड संस्कृत पोएट पद्मगुप्त वाज द कोर्टियर ऑफ वाकपति मुंज एंड सिंधुराज। तो जैसे राजशेखर ने समय बिताया है प्रतिहारों के दरबार में भी और कलचुरियों के दरबार में भी, युवराज के दरबार में, इसी तरह से पद्मगुप्ता एक इंपॉर्टेंट पोएट हुआ करता था उस टाइम पे। इसने परमारों के दरबार में समय बिताया, ये बात याद रखना, और वाकपति मुंज इंपॉर्टेंट पर्सन है, उसके दरबार में होता था ये। तो मैंने ये पहले ही लिखा दिया था कि पद्मगुप्ता ने कौन सी बुक लिखी है, फिर भी आप लिख लो। ही रोट नव सहसांक चरित, नव सहसांक चरित, NAVASAHSANKA, नव सह सांक चरित। बात लिखिए, जैन राइटर मेरुतुंग, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है मेरुतुंग, और इसकी बुक है प्रबंध चिंतामणि। जैन राइटर मेरुतुंग, मेरुतुंग बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इसकी, प्रबंध चिंतामणि। मेरी रिक्वेस्ट है कि घर जाएंगे जब आप, तो जब से ये शुरू हुई है या राज सारा मिडेवल, अभी एंशियंट का तो टाइम दिया, अभी मिडेवल में जब आप रिवीजन कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप एक छोटी सी 2-4 पेज की कॉपी या डायरी लगाइए, सिर्फ ऑथर्स और बुक्स, पोएट्स एंड बुक्स एक बना लीजिए। मैं कहता हूँ कभी मात नहीं खाएंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए, वरना मैं कभी ना लिखाता। इस पे क्वेश्चन पक्का आते हैं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा। और इसमें कभी क्वेश्चन सिंगल नहीं आता, मैच द कॉलम आता है, कम से कम 4-4 ऑथर बुक्स पता होनी चाहिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर अब बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये सब उसमें पूछा जाता है, ओके। तो लिखिए, जैन राइटर मेरुतुंग रोट प्रबंध चिंतामणि, इनकी पॉलिटिकल डायनेस्टी देखिए। एक पर्सन है हलायुद्ध, हलायुद्ध राइटर है हलायुद्ध, जैसे जयदेव हुआ करता था ना, जयदेव ने क्या लिखी है, गीत गोविंदम। जयदेव ने क्या लिखी है, तो एक हलायुद्ध भी था जयदेव के साथ ही। ये दोनों किसके दरबार में होते थे, सेना रूलर लक्ष्मण सेन। हलायुद्ध तो मैं क्या बताने जा रहा हूं, लिखिए, पिंगल सूत्र वृत्ति ऑफ हलायुद्ध, पिंगल सूत्र वृत्ति जो बुक है हलायुद्ध की, पिंगल सूत्र वृत्ति ऑफ हलायुद्ध मेंशन्ड देम ब्रह्म क्षत्रिय। पहले ये परमार रूलर हमेशा अवंती पे राज करते थे, लेकिन फिर इन्होंने अपनी कैपिटल बदली, इन्हें डर था चालुक्य सोलंकियों का, तो कैपिटल इनकी कौन सी है, धारा, धारा नगरी, कैपिटल लिख लीजिए धारा नगरी। टीमेटली सामंत हुआ करते थे राष्ट्रकूटों के, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में लिखिए। पहला रूलर सियाक टू, SIYAK 2, 945 से 972 AD। राष्ट्रकूटों के सामंत होते थे, तो राष्ट्रकूटों की सामंतीपनी से खुद को अलग आजाद कराने वाला यही रूलर है। लिखिए, ही लिबरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द योक, फ्रॉम द योक ऑफ द राष्ट्रकूटास। एक युद्ध हुआ था खटिका का युद्ध, खटिका बैटल, ये परमारों और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था नर्मदा नदी पे।
ही लिबरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द योक ऑफ द राष्ट्रकूटा, ही लिबरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द योक YOKA ऑफ द राष्ट्रकूटा एंड फॉट अगेंस्ट राष्ट्रकूटा रूलर